नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपना और अपने परिवार का भी ख्याल रखना है आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं स्थिति बिगड़ती जा रही है। और अभी अभी करंट की बात करें, यानी कि आज की बात करें, यानी कि 18 जून तक की, तो आप देख रहे हैं हम लोग सुबह बात कर रहे हैं, तो इसका 3,66,000 946 केस अभी तक हमारे देश में टोटल आ चुके हैं। समझ रहे हैं, 12,237 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, और आपके एक्टिव केस 1,60,000 के करीब हैं। और ये अच्छा है कि रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 1,94,000 के करीब है, यानी कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है। अब तो थोड़ा आपको अच्छे से सेफ्टी रखनी है, इतना भी टेंशन मत लीजिए। एक अपनी दिमागी क्षमता को बनाए रखिए, आप हारते तभी हैं, या कोई बीमारी आपको तभी खत्म कर सकती है जब आपकी ऊपर वो बीमारी हावी हो जाए और आपकी दिमागी क्षमता कमजोर हो जाए। ठीक है, तो आपको दिमागी क्षमता को कमजोर नहीं होने देना है, और आपको बस अपनी सुविधाएं बरती है, मतलब अपनी सुरक्षित रहिए, अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी रखिए, जो भी होगा देखते रहेंगे। तो देखते हैं आखिर ये चर्चा में क्यों है आर्टिकल, महामारी के दौर में सहकारी संघवाद। तो देखेंगे कि चर्चा के कारण क्या है, इसका एक परिचय देख लेंगे। महामारी के दौर में सरकारी संघवाद पर संकट किस तरह से छाया हुआ है उसे भी देखते हैं। कोरोना महामारी के दौर में सहकारी संघवाद को मजबूत करने का प्रयास क्या हो सकता है उसे भी देखेंगे। आगे की राय इसमें क्या हो सकती है उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कोरोना वायरस की लड़ाई में केंद्र और राज्यों के सहयोग की बहुत अधिक जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि अगर जो आपके निचले तबके की शासन व्यवस्था है, इसे आप लोग अगर जोड़ कर ना रखते हुए काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग कोरोना पर विजय पा लेंगे, क्योंकि अब ये मामले आपके ग्रामीण स्तरों पर भी देखे जाने लगे हैं, यानी कि गांव ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपके कोरोना वायरस के मरीज पहुंच चुके हैं। तो आपको पंचायतों, यानी कि नीचे के जो भी तबका का प्रशासन है, उसे भी साथ लेना होगा, तो राज्यों को भी साथ में लेना होगा, और केंद्र सरकार तो मैन पावर में है ही। तो अकेले आप सोचिए कि अकेले आप लड़ सकते हैं किसी कोरोना वायरस के वजह से, तो मुश्किल है। तो केंद्र सरकार और राज्यों के सहयोग की बहुत जरूरत है। अभी भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप की शुरुआती दिनों में पहले संक्रमण के शिकार हुए राज्यों ने अपने अपने स्तर पर इस महामारी को लेकर जानकारियों और संवाद का तरीका अपने अपने हिसाब से अपनाया था, जबकि केंद्र सरकार उस समय तक इस बात को लेकर स्पष्ट नीति नहीं बना सकी कि उसे इस महामारी से निपटने की कैसी राष्ट्रव्यापी नीति का निर्माण करना है। साफ है कि इस महामारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और बेहतर हो सकता था, इसलिए कई जानकारों का मानना है कि भारतीय संघवाद के महत्व पर चर्चा करना आवश्यक हो गया है। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ से आपके केंद्र सरकार ने आक्रामक नीति अपनाई है इसमें। अगर आप सोचिए कि लॉकडाउन के पहले अगर राज्यों की सहमति ले ली जाती और सभी राज्य एकजुट में आ जाते, एक साथ खड़े रहते, तो मुझे लगता है कि अभी तक कोरोना से हम लोग जीत चुके होते। ये लड़ाई, इतने केस हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि हर राज्य जो मजदूर थे, जो भूख की समस्या हुई है, जो गरीबी की समस्या आप लोग रहे थे, प्रवासी मजदूरों की समस्या हुई, इनसे बेहतर निपटा जा सकता था इस समस्या से। लेकिन क्या हुआ कि बिल्कुल कोई चर्चा बगैर किए बगैर ही लॉकडाउन ठोक दिया गया, तो उसका परिणाम आपने देखा है कि 180 से 200 मजदूरों की मौत हो गई। ये आंकड़े तो वो हैं जो हम सभी लोगों के सामने आए हुए हैं, सरकारी आंकड़े हैं, और बाकी आप समझ सकते हैं कि हमारा देश की स्थिति क्या है। परिचय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक 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 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, दूसरी ओर सरकार की प्रणाली संघात्मक है। भारतीय संघवाद का उद्भव कनाडा की प्रणाली से हुआ है, जबकि भारतीय संघ की स्थापना राज्यों की सहमति या करार द्वारा नहीं हुई। साथ ही राज्यों की संघ से अलग होने के अधिकार नहीं है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि अमेरिका में 50 स्टेट हैं, तो उन्हें जब अगर आप सोचें कि
किसी भी स्टेट कोड में अलग होने की क्षमता है। इस तरह से वहाँ व्यवस्था है कि आपका अगर भारत से अगर महाराष्ट्र कहे कि हमें अलग होना है, मध्य प्रदेश कहे मुझे अलग होना है, तो मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता है, मतलब यानी कि भारत में नहीं हो सकता है, लेकिन अमेरिका में ये व्यवस्था है कि वहाँ हो सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार के अधिक शक्तिशाली होने की वजह से भारतीय संघ के असली स्वरूप को विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया, जबकि संघात्मक राज्य की परिभाषा को लेकर कोई मंतव्य नहीं है, यानी कि कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि हमारे यहाँ एकात्मक नागरिकता है, एकल नागरिकता है, और अमेरिका में आपकी स्टेट की अलग है, यानी कि आपके राज्यों की अलग जिस तरह से होनी चाहिए थी नागरिकता, और भारत की अलग इस तरह से व्यवस्था है अमेरिका में, और आपके यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघ सरकार की मुख्य विशेषता है। राष्ट्रीय महत्व वाले विषय केंद्र की और स्थानीय महत्व वाले विषय राज्य सरकारों को प्रदान किए गए। इसके लिए भारतीय संविधान की तीन सूचियां हैं, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर आपका केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची में राज्य सरकार, और जो संवर्ती सूची है इसमें आपकी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी, लेकिन अगर दोनों में टकराव है तो केंद्र सरकार का कानून मजबूत रहेगा, यानी कि केंद्र सरकार को पावर मिली हुई है। गौरतलब है कि जब संविधान सभा के सदस्यों ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसे अन्य देशों के संविधान का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, तो उन्होंने भारतीय गणतंत्र की आवश्यकता के अनुरूप एक प्रणाली तैयार करने हेतु पिक एंड चुई यानी कि च्वाइस की नीति अपनाई। परिणाम स्वरूप भारत की संविधान सभा सहकारी संघवाद के रूप में संदर्भित हो गई। महामारी के दौर में सहकारी संघवाद पर संकट। महामारी के दौरान कुछ क्रमों ने राज्य सरकार सहयोग में दरार पैदा की, यानी कि दोनों केंद्र और राज्यों के बीच दरार का काम किया है। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में किए गए वर्गीकरण का विभिन्न राज्य सरकारों ने विरोध किया था। राज्यों ने केंद्र सरकार से इस प्रकार वर्गीकरण के अधिक स्वायत्ता की मांग की थी, किसने, राज्य सरकारों ने। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को बाध्यकारी दिशा निर्देश बिना राज्यों के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें राज्य सरकारों की सहमति लेनी चाहिए थी। ज्ञातव्य है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के धारा 11 के तहत राष्ट्रीय योजना बनाने की परिकल्पना की गई है, साथ ही केंद्र द्वारा राज्यों को धारा 6(2) के तहत बाध्यकारी निर्देश जारी करने का भी अधिकार दिया गया। हालांकि इस अधिनियम के धारा 11(2) के तहत यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय योजना के निर्माण में राज्यों की सहमति भी ली जाए। सरकार ने राज्यों से परामर्श नहीं लिया, जो कि संघवाद को हतोत्साहित करना है। केंद्र सरकार बिना किसी राष्ट्रीय योजना के केवल राज्य सरकारों को बाध्यकारी निर्देश ही जारी कर रही है। दूसरी तरफ राज्य भी इन दिशा निर्देशों को दरकिनार कर रहे हैं, जो कि संघवाद को हतोत्साहित करता है। केंद्र सरकार ने यह घोषित किया है कि पीएम केयर फंड्स को दान करने वाले निगम सीएसआर छूट का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग किसी मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे दान कर रहे हैं उन्हें सीएसआर छूट में कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आप समझ सकते हैं कि जो केंद्र ने यानी कि पीएम फंड केयर फंड बनाए हुए है, अगर उसमें दान करता है कोई कंपनी तो उसे सीएसआर से छूट मिलेगी, लेकिन अगर वो व्यक्ति मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करता है तो उसे छूट नहीं दी जाएगी। मतलब ये भी भेदभाव आपका दिखा गया है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे कहते हैं सीएसआर को, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रकार यह सीधे किसी भी मुख्यमंत्री राहत कोष में दान को हतोत्साहित करता है और राज्यों को केंद्र पर निर्भर बनाता है। आप भी जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने से कोई फायदा नहीं होगा तो किस लिए कंपनियां उसमें दान करेंगी, फिर तो पीएम केयर फंड में ही दान करेंगी ना।
इसके अलावा शराब बिक्री पर प्रतिबंध के कारण कई राज्यों की राजस्व आमद में भारी कमी आई है। हालांकि कुछ राज्यों ने शराब बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटा दिए, साथ ही पेट्रोल डीजल को की नगण्य बिक्री के कारण भी राज्यों को राजस्व की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के कारण राज्यों में भूमि सौदे समझौतों का पंजीकरण नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त राज्यों के जीएसटी संग्रह भी बुरी तरह से प्रभावित हुए क्योंकि अभी भी केंद्र द्वारा उन्हें बकाया नहीं दिया गया। इन सबके कारण राज्यों के लिए वेतन, पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं के खर्चों को उठाना अपेक्षाकृत काफी मुश्किल हो गया है। तो ये प्रॉब्लम है केंद्र और राज्यों के बीच। अब कोरोना महामारी के दौर में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के प्रयास क्या हो सकते हैं? महामारी अधिनियम 1893 केंद्र और राज्य सरकारों को महामारी रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जबकि केंद्र महामारी संबंधी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए बंदरगाहों पर प्रवेश यानी कि एंट्री, निकास, एग्जिट पर निवारण आपातकालीन उपाय कर सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यों को महामारी की जांच के लिए प्रशासनिक और नियामक उपायों को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त बनाया गया। संघवाद अब केवल केंद्र राज्य संबंधों की फॉल्ट लाइन ना रहते हुए टीम इंडिया नामक एक नई भागीदारी की परिभाषा बन चुका है। देश की विविधताओं और असमानताओं के संजाल के कारण भिन्न भिन्न महत्वाकांक्षाओं आकांक्षाएं निर्मित होती हैं। उन्हें पहचानना, उन्हें हल करना और सब राज्यों को एक मंच पर लाना चुनौतीपूर्ण है। फिर भी केंद्र सरकार ने इस महामारी के दौर में सभी राज्यों के साथ बराबर संवाद किया है, जो सहकारी संघवाद की महत्ता को दर्शाता है। आप कुछ समय के लिए देखते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और किस तरह से आपकी महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में विवाद चलता रहा। प्रधानमंत्री द्वारा सहकारी संघवाद के सिद्धांत को साकार करते हुए सर्वदलीय बैठक की गई ताकि सभी राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों की राय जानी जा सके, इस वैश्विक आपदा का सामना एकजुट होकर किया जा सके। यह वैश्विक संकट केंद्र और राज्य सरकारों को एक दूसरे के करीब लाया है ताकि सहयोग और समन्वय के माध्यम से अपेक्षित उद्देश्यों तथा सहकारी संघवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। किसी भी आपदा अथवा महामारी यथा कोरोना महामारी के समय में पहली प्रतिक्रिया राज्य देते हैं। इस प्रकार पर्याप्त धनराशि की आपूर्ति करना संकट से प्रभावी ढंग से निपटने की पूर्व आवश्यकता बन जाता है। इस दिशा में सरकार ने कई राहत पैकेज का ऐलान किया है जिससे राज्यों को कोरोना से लड़ने में सहूलियत भी मिली है। आप समझ सकते हैं कि आप अगर पंचायतों यानी कि निचले तबके के प्रशासन को अगर पैसा नहीं देंगे तो वो किस तरह से लड़ सकते हैं कोरोना से, जो उनके यहाँ आ रहे हैं मरीज उनकी व्यवस्था किस तरह से कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाए गए कई जगह, और यही कारण रहे हैं कि लोग बाहर से घर जा रहे हैं तो कोरोना और फैल रहा है बड़ी मात्रा में। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है आपकी, उसे भी जान लीजिए। राज्यों के आकार के साथ ही उनमें संसाधनों की उपलब्धता में भिन्नता है। सहकारी संघवाद के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता का माहौल बनाने की जरूरत है। वित्त आयोग ने भी अपनी 14वीं रिपोर्ट में सिफारिश की कि राज्यों का केंद्रीय कर राजस्व संग्रहण में अधिक हिस्सेदारी का अधिकार होना चाहिए, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अमल में लाए जाने की आवश्यकता है। अब जबकि COVID-19 महामारी भारत में शुरुआती दौर से आगे बढ़ चुकी है और कह रहे हैं कि अभी नवंबर में इसे बहुत उच्च स्तर पर देखा जाएगा और हम या अब संकट के महासागर के बीचों बीच खड़े हैं, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि अब वो इस बारे में संघवाद को नए स्तर पर ले जाए जिसके तहत इस संकट के तमाम पहलुओं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खामियों जैसे पेचीदा मसलों पर राज्यों से स्पष्ट रूप से बातचीत की जा सके। केंद्र और राज्यों के सहकारी अधिकारी, अर्ध सरकारी संस्थाएं, आपदा प्रबंधन में लगी टीमें, मीडिया के प्रतिनिधि और गैर सरकारी संगठन आपस में मिलकर लगातार सलाह मशविरा कर रहे हैं, करके आंकड़े साझा करके और परिचर्चा करके संकट से जुड़ी जानकारियां जनता तक पहुंचाएं। ऐसे आपसी सहयोग वाली साझेदारियों से संघवाद जमीनी स्तर तक पहुंचा पाने में मदद मिलती है। इससे संघवाद एक दिशा में चलता है, वो उससे छोटे स्तर से लेकर व्यापक स्तर तक कोई विरोधाभास नहीं होता है।
इसलिए बात की जा रही है, आप समझ सकते हैं कि पंजाब में दूसरी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में दूसरी सरकार है, महाराष्ट्र में दूसरी सरकार है, आप मध्य प्रदेश को ले सकते हैं, मध्य प्रदेश को ले सकते हैं, आप गुजरात को भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी सरकार जहां केंद्र की सरकार है, यानी कि जो केंद्र में नेता बैठे हुए हैं उन्हीं की पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में, उनके लिए बेहतर है। लेकिन आप सोचिए कि दूसरी सरकारें जो हैं राज्य सरकारों में, उन्हें तो साथ लेकर चलना होगा, अगर वो पीछे छूट गए तो इस पर मुश्किल हो जाएगा। अब मुंबई का हालत आप लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का भी देख रहे हैं, तमिलनाडु का भी हाल देख चुके हैं आप लोग, गुजरात का भी हाल देख चुके हैं, दिल्ली का भी हाल देख चुके हैं आप लोग, अभी क्या देखेंगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। ठीक है, मैं बार बार यही शब्द बोलूंगा कि आपको अपनी सुरक्षा रखनी है खुद, आपको अपने और अपने परिवार की खुद अब सेफ्टी रखनी है, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए कोई नहीं आ रहा है, सबने अपने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ठीक है,